तुम लोग कुछ भी कर लो, मेरा नहीं उखाड़ पाओगे कुछ भी। किसी का भी कुछ बुरा करके कुछ नहीं मिलना। अरे 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 अरे, ये वाला पिज्जा तो अच्छा लगा मुझे, खाने में बहुत सही लगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग देख रहे हैं वापस ऐसे ब्लॉग। ऐसे ब्लॉग्स का मतलब होता है सही लाइक ब्लॉग्स। तो होप सो आप लोग बढ़िया हो, सब लोग मजे कर रहे हो। तो भाई आज एक खुशखबरी का वक्त है, क्योंकि जो चैलेंज मैंने अपने आप को दिया था वो पूरा हो चुका है 5 तारीख को ही, और मैं अभी तक एक्सटेंड करता हुआ चला आ रहा हूँ उसको। मैंने कहा था कि मैं अपने आप से 1 महीने तक मैं डेली लाइव ब्लॉगिंग करूँ, तो मैंने 1 महीने तक लगातार डेली लाइव ब्लॉगिंग किया है और उसका रिजल्ट भी मुझे दिखा। मैं कंसिस्टेंट हो गया हूँ, मैं रात के वक्त मैं तुरंत ही एडिटिंग के लिए बैठ जाता हूँ, सब चीज़ मतलब वो चीज़ें मेरे ऊपर अच्छी हो रही हैं और ऊपर वाली कृपा है, अल्लाह की रहम है, सब चीज़ें भाई की फिंगर क्रॉस भाई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जो मैं सोच रहा हूँ वो भी गलत सोचता हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, लेकिन सब ठीक चल रहा है और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो और अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अपने बस में नहीं चल रही हैं भाई। जो जलता है, जो जलन रखता है अपने मन में, वो करता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम लोग कुछ भी कर लो, मेरा नहीं उखाड़ पाओगे कुछ भी, चाहे असल ज़िंदगी में चाहे यहाँ। तो उखाड़ तो कुछ नहीं पाओगे, तो इसका तो बात अलग ही है। तो अभी चलेंगे थोड़ी देर में, एक हमारे जानने वाले हैं जो आप जानते ही होंगे कॉलेज के टाइम पे, अभिनव भाई। तो उनका अभी फ़ोन आया था कि उनके दोस्त ने कुछ नया चीज़ खोली है, तो वो चाहते हैं कि मैं वहाँ पे आऊँ। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से बाइक लेके चलेंगे और फिर मिलेंगे डायरेक्ट वहीं पर। वो उठा के दिखाइए, ऐसे नहीं है उठा के फेंकना कहाँ है इसको। चलिए भाई इसको फेंक देते हैं। तो अभी शुरुआत हो गई है, थोड़ा थोड़ा शाम हो गई है, हल्की हल्की शाम हो चुकी है, मतलब अब एंडिंग आ ही रही है। अब देखो बताइए छः कितना बज रहा है, 5:50 हो रहा है, 5:50 पे आजकल देखिए इतना हो जा रहा है, वरना एक टाइम पे था कि 7 बजे तक कुछ नहीं होता था। तो भाई अभी चल रहा है मवैया की तरफ, जैसा आप लोगों को बताया कि एक जगह जाना है, तो वही जगह वहीं पे है, मवैया से लेफ्ट मुड़ के है मालवीय नगर चौराहा शायद बोलते हैं उसको मेरे ख्याल से। तो वहाँ तक चलना है, वहाँ पे चल के फिर आप लोगों को आगे किस्सा वहाँ बताऊँगा। और रही बात उसकी भाई की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बोला कि ना असल ज़िंदगी को कुछ उखाड़ पाएगा ना उधर, उस बात को लेके मैं थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो कभी ना किसी का भी कुछ बुरा करके कुछ नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना है। अगर आज आप किसी का बुरा करोगे या बुरा बोलोगे या बुरा उसके लिए सोचोगे भी, तो कल को आपके साथ बहुत बुरी चीज़ होगी। क्योंकि मैं ये इस बात पर बिल्कुल भरोसा करता हूँ, जो आदमी यहाँ बोता है वो यहीं खा के भी जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि अरे आप ऊपर जाएंगे तब आपकी सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। और आपको तकलीफ़ें अभी मिलेंगी, वो बिल्कुल मिलेंगी, और ऐसी तकलीफ़ें मिलेंगी कुछ हद नहीं। तो कभी किसी के लिए बुरा करना ही नहीं है, और हो सके तो भाई जितने लोगों के लिए जितना कुछ कर सको ना उतना करो। ये खींचने वाली हरकतें मत रखो, देने वाली हरकतें रखोगे ना हमेशा आगे बढ़ोगे। ये मेरे नाना मुझसे कहते हैं, तो पेट्रोल पम्प दिखे पहले पेट्रोल लगा लें यार, पेट्रोल नहीं गाड़ी में एकदम रिजर्व पे लगी हुई है। मालवीय नगर चौराहा 500 का डाल दीजिए। अच्छा हाँ, यही तो है अर्बन अड्डा, मेरे ख्याल से यही है। ये अभी हमारे नेताजी आ चुके हैं, अभिनव भैया सही बोल रहे हैं। तो भाई अभी SV वाले मोड पे लगा हुआ है, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इससे थोड़ा हाई क्वालिटी भी शूट कर लें। तो ये है अर्बन अड्डा और बाकी ऐसा कुछ करके है। और भाई आप लोग बुरा मत मानिएगा, भाई ने अभी अभी खोला है, जस्ट अभी अभी खोला है 4 तारीख को, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको खोले हुए, तो अभी भी इनका काम चल रहा है। आज हम लोग को बस इन्होंने बुलाया तो हम चले आए हैं तुरंत तुरंत, वरना कुछ दिन बाद ये चाय आ गई है अभी। बाकी फिर अभी जो ट्राई करेंगे वो आप लोग को बताएंगे। तो देखिए हमारे बीच आ गए शुभांग भाई, इधर आ गए हर्षित भाई, और पीछे हैं वो अपना नेताजी बात बात कर रहे हैं। तो अभी भैया लोगों ने बताया कि एक पिज़्ज़ा है यहाँ का, जो मतलब शायद पनीर मेनिया करके एक पिज़्ज़ा है,
तो वो ट्राई करवा रहे हैं अभी, और अभी देखते हैं कैसा है। अभी आप लोग उसे शॉर्ट्स देखिए जब वो बन रहा है। क्या है चश्मा? देखिए यहाँ पे आगे अनबॉक्सिंग वीडियो बन रही है हम लोग। मिंत्रा कूपन पैसा दे मेरे एकदम हैरी पॉटर के मामा लग रहे हैं। Even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Ooh, oh, oh, you in run with Jubilee. तो भाई पहला पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया जो है पनीर मेनिया, और अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे कैसा है। वे भैया लोग से तो सुना है काफ़ी अच्छा है, अब इसमें ट्राई करते हैं। मैं पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ। दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी अच्छे से टॉपिंग वॉपिंग सारी पनीर और जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी अच्छे से करी हुई हैं। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। नाइस, मतलब टेस्ट अच्छा है, बस थोड़ा गर्म था इसलिए मुँह चल गया, बाकी टेस्ट अच्छा है। तो अब ये दोनों खा के बताएंगे। अरे वो निकाल के थोड़ा ना देंगे आप। अरे 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 चलो चलो चलो। हाँ देसी समोसा, देसी समोसा है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, बढ़िया। ये वाला पिज्ज़ा तो अच्छा लगा मुझे खाने में, बहुत सही लगा। अभी जो मैगरीटा पिज्ज़ा बनना है वो भी एक बार ट्राई करेंगे। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. तो भाई ये दूसरा पिज्जा जो बना है ये है मैगरीटा, और ऐसे चीज आप लोगों को देख देख के लग ही रहा होगा, बड़ा प्यारा लग रहा है देखने में। देखते हैं, हाँ तो देखते हैं इसको भी। तो भाई उस टाइम तो बहुत ज्यादा गर्म था इसलिए उठाया नहीं, अब उठाते हैं। और इसी के साथ फेल होते हैं। खाई खाई भाई, फटाक से खाई, फटाक से खाई। मुझको केचप लगता है। खाइए, एक बाइट तो खाइए। ये केचप रखा हुआ है, चलिए ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा। दोनों पिज्जा के अपने अलग अलग बात थी, क्योंकि इसका एक अलग मज़ा है और उसका एक अलग मज़ा था। मैं दोनों को अगर रेटिंग नहीं देता था मतलब, हाँ, लेकिन ये है कि दोनों कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही अलग अपने में अलग है। गाड़ियाँ आ रही, क्या कर सकते हैं। तो भाई अभी कुछ ऐसा है, और एक ये वाला बर्गर है जो शायद पनीर बर्गर है, और ये है डबल पैटी बर्गर। तो अभी इसको इसके अंदर रखा जाएगा, और जो ये स्लाइस है ना, जब अभी ये मेल्ट होगा तो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. सब क्या हो रहा है, हैं? ये भी ट्राई करेंगे ये वाला बर्गर, क्योंकि मैं भी ये बर्गर मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा, तो मेरा साथ देंगे शुभांग भैया। ये भी देंगे, क्योंकि भाई हमने बोला था कि नॉर्मल बर्गर बनाइए, इन्होंने दो पैटी का बनवाया, इसका मुंह भी नहीं खुलेगा इतने में। वो मतलब है पिज्जा बहुत फिलिंग था, पिज्जा भी बहुत ज़्यादा मतलब हैवी था, तो पेट तो उसमें भरा है। तो अभी चलिए इसको ट्राई करते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो भाई देख रहे हैं इस पिज्ज़ा का, मतलब पिज्ज़ा बोल रहे सॉरी, बर्गर का साइज, डबल पैटी वेज पिज्ज़ा। पिज्ज़ा पिज्ज़ा दिमाग में रट गया है मेरे, नहीं पिज्ज़ा बहुत अच्छा था जो मेरे दिमाग में रट गया है, सही बात है, पिज्ज़ा बहुत अच्छा था भैया, थैंक यू। और बर्गर, ये बर्गर है भाई, बर्गर नहीं बुर्गर, बुर्गर बुर्गर।
अब्दुल रोजाक लेकिन कर भी रहा है, अच्छा खेल रहा है भाई, वो बहुत बड़ा प्यारा है भाई, बहुत प्यारा। तो चलिए इसको खा के देखते हैं, क्योंकि है बहुत क्यूट वो भाई, गजब। और उसी की वजह से इस टाइम चल भी रहा है, कह सकते हो। तो चलिए अब इस पे ध्यान देते हैं भाई। मुझे अगर सबसे अच्छी चीज़ इनके यहाँ क्या लगी ना, कि क्वालिटी वाइज भी चीज़ों में जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो भी अच्छी है, हर चीज़ एकदम फुलफिल मतलब भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से दिया है, और प्राइस तो बहुत कम है, जो सही बात बताएं प्राइस बहुत कम है। और सबको मतलब मेरे तरफ से रिकमेंड है, क्योंकि इतने कम प्राइस में इतना अच्छा अगर कोई दे रहा है तो फिर जाहिर सी बात है भाई आपका खाना बनता है। आप 10 जगह भागते हुए चले जाते हो, लेकिन यहाँ आओ एक बार, मज़ा ज़रूर आएगी आपको। तो भाई अभी ट्राई करने जा रहे हैं इनका शेक। तो शेक भैया मैं तो कहूँगा एक ही बनवाइएगा, क्योंकि गला ख़राब है। हम टेस्ट करेंगे बाकी भैया के लिए। अच्छा भैया भी पियेंगे? तो चलिए जितना बन रहा है बनेगा, मैं टेस्ट करूँगा बाकी सब लोग। चलिए फिर इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। बॉटल तो आप लोगों ने ट्रांजिशन में देख लिया होगा, बढ़िया था। नाइस, अच्छा। अब मेरा गला खराब होने की वजह से ये हमारे भाइयों लोग के पास जा रहे हैं। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब निकल रहे हैं, तो भैया से भी मिला दें, भैया का ही है। और भैया एड्रेस बता दिए लोगों को, कहाँ आना है? मालवीय नगर चौराहे ऐश बाग में आना है आपको, बिल्कुल चौराहे पे आपको साइड में। ये देख लीजिए सामने आपको चौराहा दिख ही रहा है, शक्ति जनरल स्टोर और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोग पहचान जाइए, मेन चौराहा है। उसके बाद डायरेक्ट ये सामने आपको दिख जाएगा, बाहर से मैं दिखा दे रहा हूँ, अरबन अड्डा। और भैया यहाँ पे मिल ही जाएंगे, भैया नहीं मिलेंगे तो कोई और मिल जाएगा, कोई और मिल जाएगा। तो जिसके पास बस आप यहाँ आइए, आप ऑर्डर दीजिए, आप एक बार ट्राई करके देखिए। इसका स्क्रीनशॉट नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप पॉज करके देख सकते हो, प्राइस कुछ इतना ज़्यादा नहीं है और बहुत अच्छा है। तो चलिए भैया मिलते हैं फिर, बाय बाय, थैंक यू। तो भाई चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप्स आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर मार दीजिएगा फटाक से, और वो बहुत ज़रूरी है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल ही, और बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर। तू मिला तू जैसे की